प्रीता ले आई नताशा की असली सच्चाई और करण ने तोड़ दिए प्रीता से सारे रिश्ते। लेकिन समीर लाएगा करण के सामने प्रीता की असली सच्चाई और पृथ्वी सबके सामने मांगेगा करीना बुआ से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता कोर्ट से लूथ हाउस जाने के लिए करण के साथ कार में बैठने के लिए जाएगी, तभी करण प्रीता को कह देगा तुम नहीं आ सकती हमारे साथ बिकॉज द कार इज फुल, कार में जगह नहीं है, तुम दूसरी कार करके आ जाना। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा और पीछे खड़ा समीर चाहते हुए भी प्रीता का साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन जब सृष्टि प्रीता के पास आएगी और प्रीता को कहेगी कि प्रीता दी कोई बात नहीं, आप अभी हमारे घर चलो, हम रिक्शे से चले जाते हैं। यह सुनकर प्रीता सृष्टि के साथ कुछ भी बोले बिना अपने मायके यानी कि अपने घर आ जाएगी, जहाँ पर जब सृष्टि प्रीता से सवाल करेगी और प्रीता को कहेगी कि प्रीता दी आप तो होटल में सबूत लेने के लिए गए थे ना, और आपके पास तो सबूत आ भी गया था, लेकिन बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ और वो पागड़ बिल्ले पृथ्वी ने आप पर हमला कैसे कर दिया। तब यह सुनकर प्रीता कहेगी जब मैं होटल के मैनेजर के पास से सबूत लेकर आ रही थी तभी वहाँ पर पृथ्वी मेरे सामने आ गया था और उसी ने मेरा एक्सीडेंट किया, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गई थी और उसी बेहोशीपन का फायदा उठाकर किसी ने मेरा सबूत चुरा लिया। तब यह सुनकर सृष्टि कहेगी ये चोरनी और कोई नहीं बल्कि नताशा है, वो लूथा परिवार में शलिन की आई हुई नई बहन जो करण जीजू को अपनी जाल में फंसाना चाहती है। यह सुनकर प्रीता सोचकर कहेगी तूने सृष्टि सही कहा, उसी ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे कार में रखे हुए सारे सबूत चुराए। यह सुनकर सृष्टि सीधे गुस्से से खड़ी हो जाएगी और घर से बाहर जाती हुई प्रीता को कहेगी दी मैं उस नताशा को छोड़ूंगी नहीं, उस नताशा का बताशा आज मैं बनाकर रहूंगी। यह सुनकर प्रीता कहेगी नहीं नहीं सृष्टि, उसको तो मैं अपने एक हाथ से ही हैंडल कर लूंगी, तेरी वहाँ लूथा उसमें आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना उल्टा सब हम पर ही बरसेंगे। तब यह सुनकर सृष्टि अचानक से इमोशनल हो जाएगी और प्रीता को कहेगी दी ये लोग वही तो करते आए हैं, आपने इन लोगों के लिए हमेशा क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद आखिर में होता क्या है, ये पूरा परिवार आप पर बरस पड़ता है और आपके खिलाफ हो जाता है, और इस बार तो करण चीजों आपके खिलाफ हो गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सब के पीछे और किसी का नहीं बल्कि आप ही का हाथ है। यह सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और सीधे लूथ हाउस चली जाएगी। यहाँ पर जब प्रीता लूथ हाउस में पहुंचकर अपने सामने नताशा को देखेगी तभी नताशा को प्रीता को अचानक से देखकर काफी बड़ा शॉक लगेगा, जिस वजह से नताशा प्रीता को इग्नोर करके जा रही होगी। तभी प्रीता नताशा को कहेगी रुको नताशा, तब नताशा कहेगी बोलो क्या काम है, तब प्रीता कहेगी मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, वो सारे सबूत जो मैंने करण को बचाने के लिए इकट्ठा किए थे वो तुमने मेरी कार से मेरी बेहोशी हालत में चुरा ली है और उसे ही तुमने कोर्ट में यूज किया और साथ में तुम्हारे क्राइम पार्टनर पृथ्वी बचा लिया। यह सुनकर नताशा के होश उड़ जाएंगे और नताशा कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन नताशा हकलाती हुई प्रीता को कहेगी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझसे जो हो सका मैंने करण को बचाने के लिए किया, इससे आगे मैं कुछ तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहती। यह सब प्रीता को कहकर नताशा प्रीता के सामने से चली जाएगी। लेकिन जब प्रीता अपने कमरे में जाएगी और करण प्रीता को देखेगा और कहेगा वाह प्रीता, तुमने तो अपनी सारी हदें पार करके आज तो साबित कर ही दिया कि तुमने मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार किया है, और अब मैं इस बात को जान चुका हो, इसलिए अब से मैं प्रीता तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आऊंगा, और कहेगा कि जो कुछ भी हमारे बीच में थोड़ा बहुत भी रिश्ता था वो भी मेरी तरफ से, वो मैं सारा रिश्ता आज के आज और अभी के अभी खत्म करता हूँ। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा, लेकिन पृथ्वी सबके सामने प्रीता को नीचा दिखाने के लिए करीना बुआ से अपने किए की माफी मांगेगा और प्रीता को गलत साबित करेगा, और लेकिन इस बार भी प्रीता पर कोई भरोसा नहीं करेगा और प्रीता के साथ बुरा होगा तो आपको कैसा लगेगा, और प्रीता को ऐसे लूथा परिवार वालों को उनकी ही हालत में छोड़ देना चाहिए कहना है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।